Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में अभी वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बना के रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले करना है, सबसे पहले अपने टर्बो वीपीएन और कैपकट ऐप को दोनों को डाउन करना है, ठीक है। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउन कर लेना। और फिर यहाँ पे वीपीएन को आपने कनेक्ट कर लेना, मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं कैपकट ऐप को ओपन करूँगा जो कि इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने देख सकते हैं आप लोग एक वीडियो ले लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये वीडियो सिंपल सी वीडियो है, कुछ एडिट वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं स्लो है, बट मैंने स्लो करी इसे, ठीक है। मैं आपको दिखाया था यहाँ पे स्लो कैसे करना, आपने स्पीड पे क्लिक करना और यहाँ पे हल्का स्लो कर देना, लगभग 0.8 के अराउंड कर देना या 9 के अराउंड, ठीक है, ज़्यादा मत करना। और यहाँ पे दोस्तों साउंड भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से डाउन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। तो यहाँ पे दोस्तों साउंड भी लगा लेना आप, यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे, जैसे आप वहाँ से डाउन करोगे टेलीग्राम चैनल से तो साउंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे साउंड है, जो साउंड डाउन करोगे रिसेंटली आपको फर्स्ट वाले सबसे ऊपर फर्स्ट में मिल जाएगा यहाँ पे। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे साउंड को लगा लेना, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों फिंगर से इसको फुल्ली जूम करना है। तो देख सकते हैं फुल्ली जूम हो चुका है, और यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है 0.03 सेकेंड, उसके आगे 5 फीट है, 5 फीट के नीचे आ गया, देख सकते हैं आप लोग हल्का सा आगे पॉइंट है। तो इस पॉइंट के यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे ये लगा देना, पहले यहाँ पे इस तरीके से एडबिट कर देना, और उसके ऊपर यहाँ पे लगा देना, स्प्रेड कर देना, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने कर देना हर बार में। और दूसरा वाला कट है इसके आगे, देख सकते हैं आप लोग पॉइंट के आगे 10 फीट है, 15 फीट है, 15 फीट के आगे जो पॉइंट है, ठीक है, इसके आगे हम कट लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। फिर अगला वाला कट है 0.04 सेकंड के आगे, तो यहाँ पे मैं लगाए थे हम। और साथ साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बीट भी लगानी है, ठीक है ना। तो ये दोनों खासकर आप कर लीजिएगा। उसके आगे देख सकते हैं 5 फीट है, 10 फीट है, 15 फीट है, 15 फीट के आगे जो पॉइंट है उसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर अगला वाला कट है यहाँ पे 0.05 सेकंड के आगे, 5 फीट, 10 फीट, तो 10 फीट के हल्का सा पीछे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों। और अगला वाला जो यहाँ पे इफेक्ट है और बीट है, वो 0.07 सेकंड के आगे 5 फीट, फिर 10 फीट, 10 फीट के आगे लगा देंगे, ठीक है। उसके आगे 0.08 सेकंड, उसके आगे 5 फीट, तो 5 फीट के यहाँ पे लगा देंगे हम स्प्रिट, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे 0.011 सेकंड है, उसके आगे 5 फीट है, और 5 फीट के नीचे हम लगा देंगे कट, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इतना, और इतना ही दोस्तों यहाँ तक आपने लगाने बीट, ठीक है। तो दोस्तों इतना करने का दोस्तों क्या करना आप लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग इतना हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, ये जो वीडियो है दोस्तों इसको हम करेंगे स्लो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली वीडियो तो स्लो है ही, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको हम स्लो करेंगे। तो स्पीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 0.4x, ठीक है। ऐसे इसको बढ़ाओगे तो ये वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो फिर से यहाँ से इसको हम पीछे लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से इसको भी 0.4x के डाउन करेंगे, और ये भी बड़ी हो गई है, इसको भी हम थोड़ा छोटा लेके आएंगे, ठीक है, छोटा कर देंगे इसको भी इस तरीके से, अगले वाले को भी। तो इसको भी 0.4x और यहाँ पे कर देना, इसको भी 0.4, इसको यहाँ पीछे कर देंगे हम, इसको भी 0.4x, ठीक है, इसको भी पीछे कर देंगे हम यहाँ तक, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसको भी 0.4x, ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ तक हो गया था। फिर ये वाला, ठीक है, इसको भी कर देंगे 0.4x, ठीक है, इसको फिर पीछे लेके आएंगे। फिर नेक्स्ट वाले को भी, और यहाँ पे लास्ट वाले को भी कर देंगे 0.4x। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा।
है ठीक है, उसके यहाँ पे कर देंगे हम डिलीट इसे। तो ये डिलीट हो चुका है, उस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है। अब दोस्तों ये करना आप लोगों ने, यहाँ पे मैं एक वीडियो ले रहा हूँ जो कि आपने शुरुआत में देखी है, तो वो वीडियो दोस्तों मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा इफेक्ट कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में कर दूँगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इफेक्ट लगाएंगे। तो पहला आपने लगाना है इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लगा देना, आपने कौन सा लगाना है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम लगा देंगे हालो ब्लर, ठीक है, हालो ब्लर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आ गया तो यहाँ तक हम लगा देंगे हम यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया है। और यहाँ पे इसको एडजस्ट पे क्लिक करके डेंसिटी कर देंगे फुल और टाइम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बीच बीच में ये देख सकते हैं ये वाले जो, यहाँ पे आप फोटो भी लगा सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने वीडियो लगाई है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों वीडियो लगाई है, आप यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इस पर हमने कोई इफेक्ट नहीं लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें यहाँ पे गेम ओवर बोला, तो यहाँ पे हम इफेक्ट लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और इन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम लगा देंगे रॉक वर्टिकल, ठीक है, ये लग गया। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इफेक्ट लगा हुआ है, तो वो लगाएंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे मिल रहा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने कहाँ पे लगाना है ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बॉडी इफेक्ट पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, होल्यूनिकेशन जो भी है इस पर क्लिक करके और यहाँ पे लगा देना, या यू एन करके और इसके लेंथ आप रख देना थोड़ी सी कम कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रख देना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाला आइकन पे, लाइट पे आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम ब्लांच वाला, लेंथ 0.2, ठीक है। फिर यहाँ पे अगले वाले पे भी यहाँ पे वही लगा देंगे हम, लाइट पे क्लिक करके ब्लांच लगा देंगे, लेंथ 0.2 कर देंगे। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे अगले वाले, इसके अगले वाले पे इफेक्ट लाएंगे, एनिमेशन पे क्लिक करके इन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे ये रॉक हॉरिजॉन्टल करके, ठीक है, लेंथ 0.89, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, देख सकते हैं यहाँ पे लगाना है आपने, ये जूम करना है, ठीक है। ये जूम कैसे लगाएंगे आप लोग, तो गाइस यहाँ पे आपने आना है वीडियो इफेक्ट पे और यहाँ पे आपने आना है लेंस पे और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे जूम लेंस। तो ये देखते हैं जितना भी आप यहाँ पे जूम करना है उतना यहाँ पे आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो देख लेना आप लोग कितना आपने करना है, थोड़ा यहाँ से इसको पीछे कर देंगे, थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना इसे, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपकी वीडियो दोस्तों बन के कम्प्लीट हो गई है। एक बार आपको चला के दिखाता हूँ कि किस टाइप से हमारी दोस्तों वीडियो यहाँ पे बन के आई, तो देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों स्टेप से बनाना, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपको तीन चार दिख रहा है, 1, 2, 3, ठीक है। इसके बजाय यहाँ पे आप अगर वीडियो फोटो लगाओगे तो ये काफ़ी अमेजिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोटो लगा रहे हैं, तो इस तरीके दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो को बना सकते हो, आपकी वीडियो दोस्तों इस तरीके से बन के आई है। तो गाइस वीडियो आपको जैसे भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर फॉलो कर लेना। चलिए इसके लिए इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।